बस क्या कीजिए, आप बस समझते जाइए, है ना, बस आप क्या करोगे, आप समझते जाओ, ठीक है। नाउ अभी देखेंगे ध्यान से। सो कल हमने यहाँ पे पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में लिखा है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे मास हो गया, वेट हो गया, ये सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको क्या किया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बताए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2 kg, 2 liters, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे n क्या हो गया भाई, n है आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ये हो गया 2, और यूनिट क्या है आपका यहाँ पे, ये वाला ऐसा लीटर, है ना, 2 liter। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो आप n into u से, है ना। नाउ एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, दूसरी क्वांटिटी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज क्या होती है, सो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, एंगर, लव, हेट्रेड एक्सेट्रा, इनको आप नहीं कर सकते, है ना। तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में पहली क्वांटिटी हमने देखी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प आपको न लेना पड़े, वैसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। जैसे देखो आपके पास एग्जांपल क्या है, मास, है ना, मास, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को डिफाइन करने के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सो वैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, एग्जांपल लिया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हमें, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, है ना। तो ये मीटर क्या है, ये आपका लेंथ है, और ये सेकंड क्या है आपका यहाँ पे, टाइम है। तो वेलोसिटी को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों की जरूरत पड़ती है ना। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो अलग अलग बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है ना, इसलिए वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे। नाउ हमने नेक्स्ट पढ़ा उसके बाद, तो बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम होती है ना। यस, इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल है मास, लेंथ और टाइम। तो अभी इनिशियली ये तीन ही हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर बाद में जाके और ज्यादा हम जब एडवांस जब हमने पढ़ाई की, जब साइंस एक्सपैंड हुआ, बहुत सारी जब डिस्कवरीज हुई, तो चार और फंडामेंटल क्वांटिटीज को इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वांटिटीज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या करे, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ में, यहाँ पे इसका डेंसिटी का, तो डेंसिटी का एग्जाम्पल तो फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, मास अपॉन एल इंटू एल इंटू एल, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, एम अपॉन एल की। अब इसको आपको डेंसिटी को, एक डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मास की जरूरत पड़ रही है और लेंथ की भी जरूरत पड़ रही है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो बाद में दो और नई क्वांटिटीज को ऐड किया गया जिनको बोला गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें आता है आपके पास सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फिगर है, और यहाँ पे थीटा, ये है आपके यहाँ पे आर्क की लेंथ, और ये आपके पास यहाँ पे रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। और यूनिट क्या होती है यहाँ पे, रेडियन। फिर से एग्जांपल दिया हमने आपको किसका, सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल का आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि कहाँ पे आता सॉलिड एंगल, तो जो बर्थडे कैप होता है सब एक कोन के शेप में, उस कोन को क्या करो आप उल्टा करो, है ना, उस कोन को उल्टा करो, और बीच में एक जैसे उसके जो टिप पे जो एंगल बनता है, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो उसका यूनिट जो होता है एस्टीरेडियन, या फिर यहाँ पे SR, है ना, SR से उसको हम डिनोट करते हैं, करेक्ट। नाउ हमने क्या देखा, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी हमने, जो कि क्या थे, फंडामेंटल थे, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वैसी क्वांटिटीज को हमने क्या बोला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो इनिशियली जब व्हेन द साइंस वाज इन इट्स बिगिनिंग ऑफ अ स्टेज, मतलब न्यूटन के टाइम में,
जो पुराने साइंटिस्ट सर्बियन थे उनके टाइम में मास, लेंथ और टाइम ये तीन ही चीज क्या थे उस टाइम पे, नोन थे। बट जैसे साइंस डेवलप होता गया तो पता चला कि टेम्परेचर भी होता है, करेंट भी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है ना। तो ये हमारे हैं सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो ये सात क्वांटिटीज है। तो ये जो आपके पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे एल से, है ना। जहां भी कभी लेंथ है तो उसकी पूछे डायमेंशन क्या है, तो उसको एक कैपिटल एल में ब्रैकेट, दैट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। सिमिलरली मास, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी एंड इसकी डायमेंशन होती है एम, है ना। सिमिलरली टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, और टाइम की डायमेंशन होती है यहाँ पे आपकी टी, एक कैपिटल टी लिखेंगे और उसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो हो गया आपकी टाइम की डायमेंशन, ओके। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हम यूनिट लेते हैं ना उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट भी होता है बट एसआई यूनिट में हम इसको केल्विन में मेजर करते हैं, और इसकी डायमेंशन एक ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में की। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट ए होती है और इसकी डायमेंशन को हम ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ लाइट कितनी, है ना। सो एग्जांपल मैं आपको बताऊं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो देखिए जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक रूम में एक कैंडल जला दिया, है ना। अभी एक कैंडल जला के आप देखते हो कि कितना इसमें कितनी रोशनी आ रही है ना। फिर आपने क्या करा, एक ट्यूबलाइट लगा दिया, है ना, और आपने उसको मेजर किया। अब बताइए जितनी लाइट कैंडल से थी, जितनी लाइट कैंडल से थी उससे कितनी ज्यादा लाइट है ट्यूबलाइट लगाया तो, है ना। तो फिर क्या किया गया, लोगों ने फिर क्या करा कि एक बार 100 कैंडल जलाया और उसका देखा, हाँ भाई कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी देख ली। फिर उन्होंने क्या किया, ट्यूबलाइट को ऑन किया, फिर भी देखा अरे उतनी ही लाइट है अभी भी, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक जो ट्यूबलाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है 100 सीडी लिख दिया उसको, है ना। तो ऐसे करके इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया गया, 100 सीडी, 200 सीडी, 3000 सीडी, है ना। तो एक्चुअली जो सीडी आया वो किससे आया, कैंडेला से आया, कैंडेला कहाँ से आया, कैंडल्स, है ना। तो सिमिलरली होता है हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मेजर करते हैं, हम मोल से मेजर करते हैं, है ना। सो मोल की जरूरत क्यों पड़ी, आप पूछ सकते हैं, जब किलोग्राम है हमारे पास, मीटर है मतलब ग्राम किलोग्राम सब कुछ है, तो मोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली मोल की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको भी मेजर करना होता है। जैसे आपने क्या किया, हमने आपको वन हैंडफुल ऑफ सॉल्ट दे दिया, अब पूछा आपसे बताओ भाई कितना इसमें, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्ट, है ना। आप जब खाते हो सॉल्ट कम पड़ता है आपकी सब्जी में तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट देते हैं, है ना। तो उसमें उसमें भी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी आपके लिए गिनना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। अगर वन स्पून सॉल्ट ले आप तो उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप गिन नहीं सकते, है ना। सो इतने बड़े अमाउंट को मेजर करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ी, मोल की जरूरत पड़ी, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप मोल कॉन्सेप्ट, सो मोल कॉन्सेप्ट वन मोल में कितना 6.023×10^22 पार्टिकल्स होते, है ना। तो ये थे हमारे सेवन बेसिक क्वांटिटीज और इनके हमने यहाँ पे डायमेंशंस भी लिख ली, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, एम एल टी, ये तीन याद रखना, ठीक है। नाउ तीन सिस्टम होते हैं, केमकेस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। उसमें एफकेस सिस्टम में लेंथ को मीटर में हम मीटर में नापते हैं, किलोग्राम को, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। सिमिलरली सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ओके। और नाउ एसआई में मास को मीटर में, सॉरी लेंथ को मीटर में, किलोग्राम में सेकेंड, करेक्ट। नाउ हमें क्या करना है, अभी डायमेंशन सीखने हैं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ध्यान से देखो, कल जो बच्चे जिनका मिस हो गया था वो देखिए ध्यान से। तो डायमेंशन क्या होती है, हमें देखना होता है कि कोई भी अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, सो वो किसके किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, लेंथ पे या टाइम पे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास क्या है, अभी वेलोसिटी है, है ना। तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं आप लिखते हैं इसको मीटर पर सेकेंड, बराबर। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को कैसे लिख सकते हैं भाई, मीटर को डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, है ना। बस तो देखिए मीटर क्या होता है भाई, एल, है ना।
मीटर की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, और अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी। नाउ अगर देखो आप वेलोसिटी की अगर आपको यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है तो क्या होगी आपके पास एल टी माइनस, कितना हो गया वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी, डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को लिखते हैं आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर आएगा एल और नीचे आएगा टी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पे एल टी माइनस, है ना। सो नाउ अभी देखिए अभी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है किस पे है, लेंथ पे है और टाइम पे, दो चीजों पे। वेलोसिटी की जो डायमेंशन किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे और टाइम पे, है ना। और कोई आपसे पूछे कि बताइए वेलोसिटी में लेंथ की डायमेंशन कितनी है, क्या कहेंगे आप वेलोसिटी में लेंथ की डायमेंशन कितनी है भाई, तो और टाइम की डायमेंशन कितनी है, तो भाई माइनस वन। और अगर आपसे कोई पूछे बताइए मास की क्या डायमेंशन है, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, मास तो है ही नहीं, तो ऐसे बोल देंगे मास की डायमेंशन क्या है, जीरो। That's all, है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो डायमेंशन हम ऐसे निकालते हैं, अभी हम देखो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन निकाले, किसका एरिया का डायमेंशन निकाला एल इंटू बी, है ना। तो एल इंटू बी क्या होगा, एम इंटू एम, ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एल की पावर वन इंटू एल की पावर वन, और यहाँ की पावर जीरो इंटू एल की पावर जीरो, तो हमारा डायमेंशन क्या हो गया एम जीरो एल टू डी जीरो, है ना। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमने क्या लिखा है इसकी डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन को m0 l1 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 t0, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया m0 l3 t0। देन सिमिलरली वेलोसिटी का निकाला, तो l t माइनस वन। नाउ सेकेंड अभी देखिए, नाउ हमें ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम का ये निकालना है डायमेंशन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इनटू v, करेक्ट। नाउ m को क्या लिख सकते हो आप, m को m लिख सकते हो, और वेलोसिटी v को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो यहाँ पे एल टी माइनस वन, है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई m1 l1 t माइनस, करेक्ट, ये इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन का निकाला मैंने अभी यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखिए निकाल के देखते हैं हम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन सिखाया मैंने, सो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाले, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, v2 माइनस v1 लिखोगे अपॉन टाइम t लिखेंगे, तो ऊपर देखिए वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस किया तो वेलोसिटी ही आएगा, है ना, अपॉन टाइम। तो इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन कितनी होती है यहाँ पे टी। तो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन जो आएगी निकल के कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास एल टी माइनस टू, है ना, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। नाउ अभी आपको निकालनी है किसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन निकालनी। तो भाई देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू a, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे निकालू, देखिए फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाल लेते हैं इसको, फोर्स की डायमेंशन, तो देखिए फोर्स फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू है हमारे पास एम, है ना। सो फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, तो ये क्या होगा मास, एम का क्या होगा एम, और एक्सेलरेशन ए का क्या होगा, अभी आपने निकाला है यहाँ पे एल टी माइनस टू, है ना। तो अभी यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन हो गया आपके पास एम एल टी माइनस टू, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है किसका, मोमेंटम हो गया इम्पल्स, है ना, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स होता है आपका फोर्स इंटू टाइम, है ना। तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, और इंटू टाइम की डायमेंशन क्या होगी टी की पावर वन। तो नाउ अभी यहाँ पे पावर्स को अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एम एल टी माइनस वन, है ना। तो इम्पल्स की डायमेंशन यहाँ पे क्या आ गई आपके पास भाई, इम्पल्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स की क्या डायमेंशन आ गई भाई यहाँ पे एम एल टी माइनस वन, है ना। सो यहाँ पे इम्पल्स की डायमेंशन हमने देख ली ना, और देखिए तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हमने यहाँ पे डायमेंशन देखी, है ना। तो नाउ नेक्स्ट था हमारे पास ये फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एफ इंटू एस, है ना। एफ इंटू एस मतलब अभी देखिए फोर्स
इसका डायमेंशन हमें निकालना है। इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, एमएल टी माइनस टू, और डिस्टेंस एस, एस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एल यहाँ पे लिखूंगा एम एल टू टी माइनस टू, है ना। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे करके एनर्जी का डायमेंशन निकाला है, टॉर्क का निकाला है, पावर का निकाला है, है ना। इतनी सारी क्वांटिटीज का हमने क्या कराया, डायमेंशन कैलकुलेट कराया। नाउ डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया किसका, कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन क्या होते हैं, है ना। यस, कोई डाउट है यहाँ तक, एनी डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट, चैट में लिखेंगे, चैट में टाइप करेंगे, एनी डाउट। इफ एवरीथिंग इज ओके टाइप वन फास्ट। कल जो बच्चे नहीं आए थे वो टाइप करें, उनको कोई डाउट है क्या, कल जो बच्चे एब्सेंट थे वो, कल जो बच्चे एब्सेंट थे वो, एवरीबॉडी कौस्तुभ समझ में आ रहा है आपको, अनका समझ में आ रहा है, कौस्तुभ एनी डाउट्स। ठीक है, एक और क्लास रखूंगा मैं आपके लिए समझाने के लिए। देखिए अभी पूरा कंसंट्रेशन को मैं पूरा समझा रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स है ना, तो कॉन्स्टेंट्स के लिए बताया था कि कॉन्स्टेंट के डायमेंशन हो भी सकते हैं और कॉन्स्टेंट के डायमेंशन नहीं भी हो सकते। तो एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ना तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन बी। भाई सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये क्या है भाई, ये सी जो है स्पीड ही एक टाइप की, तो इसको इसकी डायमेंशन क्या होगी, और इसकी डायमेंशन नीचे नीचे वाली जो वेलोसिटी है, मतलब दोनों ही तो क्या है, एक तरह की सिमिलर टाइप की क्वांटिटी है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों क्या है, स्पीड स्पीड है, स्पीड स्पीड क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दिस कैपिटल जी, ये क्या है भाई, ये भी तो एक कॉन्स्टेंट है ना। सो इसकी डायमेंशन होगी या ना होगी, तो चलिए देखते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ देखा हमने, तो जी, तो जी का आ गया आपके पास जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, है ना। नाउ अभी देखिए यहाँ पे एफ, एफ की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन पता है, उसको मैंने लिख लिया एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू, है ना, अपॉन एम वन इंटू एम टू, तो इसको लिख लिया हमने यहाँ पे एम की पावर टू। नाउ इसको और सॉल्व किया हमने यहाँ पे, सारी पावर्स को ऊपर लेके गए, अरेंज करके गए, तो यहाँ पे हमारे पास आया एम की पावर माइनस वन। एम की पावर क्या हो जाएगी भाई, माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू, है ना। सिमिलरली प्लैंक्स कॉन्स्टेंट फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच एफ, तो हमने एच की डायमेंशन निकाली, एच की डायमेंशन होती है, फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच एफ, तो एच इक्वल टू आ गया आपके पास सी अपॉन एफ, ये आ गया एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हो आप, वन अपॉन टाइम पीरियड लिखते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी की अभी डायमेंशन कितनी हो जाएगी टी पावर माइनस वन, करेक्ट। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे एम एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन है ना। इसको हमने क्या करा, सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया तो ये कितना आ गया एम एल टू, और ये टी की पावर किधर गई, ऊपर गई, है ना, तो आ गया आपके पास एम एल टू टी माइनस, है ना, समझ में आपको। नाउ नेक्स्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे हम देखो अभी ये थीटा जो है हमारा, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, है ना। थीटा की यूनिट तो होती है, एक यूनिट होती है रेडियन और दूसरी यूनिट होती है एसटी रेडियन, रेडियन है एसआर, है ना। सो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना। सो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होते हैं उनके कुछ भी डायमेंशन नहीं होते। जैसे मान लो कि साइन के अंदर कुछ लिखा हो उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना। लॉग के अंदर कुछ भी लिखा रहे वहां पे, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा रहे तो उधर उसका भी कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना। एंड वन मोर थिंग, एक बात और आप ऐड करो स्टार डाल के, ई की पावर समथिंग हो, है ना, ई की पावर समथिंग हो तो वो भी उसका भी कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना। कोई चीज अगर पावर में हो, ई की पावर में हो, एक्स की पावर में हो, तो उनका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना, बिकॉज पावर्स आर रियल नंबर है ना। एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, है ना, तो जो जितने पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है ना। इस बात को कल जो जो बच्चे थे वो ऐड कर लो,
e की पावर समथिंग में कुछ हो तो दैट विल बी डायमेंशनलेस, है ना। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था कि जो dy by dx होता है उसका क्या डायमेंशन होता है, तो dy को लिख सकते हैं y upon x, तो इसको आप लिख सकते हैं y into x की पावर माइनस, है ना। नाउ वैसे ही अगर डबल डिफरेंशिएशन हो तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, d upon dx into dy by dx ऐसे लिख सकते हैं। सो इट विल बी हियर, इट विल बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो y into x की पावर माइनस 1 upon x, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आपको लिखा रहे dy by dx, तो ऐसे करके आप y upon x लिख सकते हो। ऐसे आपसे कभी पूछेंगे नहीं, बट आप ऐसे याद कर लो इसको, है ना। सो y upon x हो गया, तो इसको लिखेंगे y into x की पावर माइनस 1। यहाँ देखिए तो dy upon dx है, यहाँ पे दो बार आ रहा है, है ना। तो y तो ऊपर है और 2x क्या है आपके नीचे है, तो क्या होगा डायमेंशन, y into x की पावर माइनस 2। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आपके पास मान लो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा लिख रखा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का कुछ भी मतलब नहीं होता है ना, ऐसे इंटीग्रल साइन हो तो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, दैट इज डायमेंशनलेस, है ना। नाउ फिर मैंने एक सवाल किया था, क्वेश्चन ऐसा किया था कि अगर आपके पास ऐसा लिख रखा है y equals to a sin omega t, है ना, तो यहाँ पे आप ओमेगा के डायमेंशन आप बताइए क्या होगी ओमेगा के डायमेंशन, है ना। सो देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो, कल जो बच्चों आए थे नहीं आए थे सभी एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से। सो नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, है ना, जहाँ पे वाई क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, और ये क्या है एम्पलीट्यूड है, है ना। तो इसमें ओमेगा के डायमेंशन फाइंड कर रही है, ओमेगा इज सम कांस्टेंट, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो साइन ऑफ थीटा है, इसमें ये थीटा क्या है डायमेंशनलेस, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होती है भाई, ये डायमेंशनलेस होती है ना। सो नाउ यहाँ पे इस ओमेगा टी को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मैं ऐसा उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए भाई नया तरीका है, सब लोग देखिए ध्यान से, एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा टी क्या है, थीटा है, और थीटा को क्या होना पड़ेगा भाई, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो अगर थीटा डायमेंशनलेस है, ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, करेक्ट ना। सो नाउ यहाँ पे अगर देखो आप ध्यान से, तो ओमेगा की डायमेंशन मुझे फाइंड करनी है, और यहाँ पे टी की डायमेंशन क्या होगी, टी की डायमेंशन टी कैपिटल टी इक्वल टू यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना। ये अच्छा तरीका है समझने का। तो दूसरा अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन टी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, ये आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस 1, यानी कि ओमेगा की जो डायमेंशन हो गई कितनी हो गई, एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1, इतनी हो गई ओमेगा की डायमेंशन। ओके, समझ में आया, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, इसमें किसी बच्चे में कोई डाउट, देंगे अपना रिस्पॉन्स सभी लोग फास्ट, किसी बच्चे कोई डाउट। कल जो बच्चे नहीं आए थे खासकर उनसे मैं पूछ रहा हूँ, फटाफट अपना रिस्पॉन्स देंगे, या एवरीबॉडी फास्ट, कौस्तुभ चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह का एक और सवाल मैंने आपको कराया था कल, अभी ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। सो नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको कराया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख रखा है, तो ओमेगा और के की डायमेंशन आप बताइए, है ना। सो सिमिलरली अभी हमने क्या देखा कि ए साइन क्या होता है भाई, साइन कभी भी थीटा के साथ आता है, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे मतलब साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या रहेंगी, डायमेंशनलेस रहेंगी, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी जो है आपके पास, तो ओमेगा टी क्या रहेगा आपका, इसका हमने अभी निकाला ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, तो ओमेगा का आपने निकाल लिया टी माइनस 1, है ना। नाउ के एक्स भी क्या है आपका डायमेंशनलेस, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लो भाई आप, के एक्स इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना, ऐसा लिख लिया। नाउ एक्स के आपके पास लेंथ है, तो आप ये लिख लो के इंटू एल की पावर 1 इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना।
तो यहाँ से जो आपका जो k आएगा, k की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, m0, m0, l0, t0 और यहाँ पे l माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे k की डायमेंशन क्या आ गई भाई, k की डायमेंशन आ गई l माइनस वन, करेक्ट। यहाँ तक पक्का सबको। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, है ना, डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशन होता है। सो नाउ डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, या वेदांत, वेदांत आपको क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया k x का, k की डायमेंशन का, यस सर, यस सर। देखिए ध्यान से, सो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे जो k x है ना, ओमेगा t का समझ में आया आपको, चैट में टाइप करेंगे, ओमेगा का डायमेंशन समझ में आया आपको, कैसे निकाला मैंने, फास्ट फास्ट बताइए वेदांत। हाँ देखिए के एक्स है ना, तो मैंने क्या बताया कि ये साइन ऑफ एक्चुअली थीटा लिख रखा है ना, दिस इज कॉल्ड कोस थीटा। नाउ दिस थीटा इज डायमेंशनलेस, तो अगर थीटा डायमेंशनलेस तो ओमेगा टी को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा और के एक्स को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, है ना। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब क्वान्टिटी क्या है, डायमेंशनलेस है, है ना। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे भाई मैं ऐसा लिखूंगा कि जो के एक्स है ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है, है ना। अभी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दिस x रिप्रेजेंट्स लेंथ, x किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, लेंथ को। सो नाउ यहाँ पे x की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, l की पावर 1, l की पावर कितनी हो जाएगी 1 इक्वल्स टू m0 l0 एंड t0। सो नाउ अभी यहाँ पे k को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m0 l0 t0 और उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे l, और यहाँ पे l की पावर यहाँ पे हो गई 1। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना होगा, ये होगा m0 l की पावर माइनस वन t की पावर 0, है ना। तो अभी k की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे l की पावर माइनस, क्लियर है, अभी क्लियर है, यस वेदांत, इज क्लियर टू यू, है ना। चलिए तो अभी तक बताओ बच्चों, अभी तक किसी बच्चों को कोई डाउट है अभी डायमेंशंस में, है ना, डायमेंशंस में, और अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, पास सब लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक की क्लास में, फास्ट एवरीबॉडी, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू गांच, युगांश, प्रतीक, कंचन, ओके, समीर, कोई डाउट नहीं, विघ्नेश को कोई डाउट नहीं, वेदांत ओके है, फास्ट 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 एवरीबॉडी, सब लोग अपना रिस्पांस देंगे, सबका रिस्पांस नहीं आया अभी तक, आलोक कोई डाउट है, अनका, अनुरूप, गौतम, हाँ भाई फास्ट, किसी बच्चे को कोई डाउट है, यस चलिए, कुछ भी और डाउट है तो आप बता दो, ओके। नाउ अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कल हमने एक और नई चीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आप किसी दो सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ही जोड़ सकते हैं, है ना, किसी सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ही आप क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। जैसे मेरे पास वेलोसिटी है तो आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही जोड़ सकते हो, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, आप इनको क्या कर सकते हो, इन दोनों क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 केजी, है ना भाई, इसको आप जोड़ दो, जोड़ सकते क्या कभी आप, नहीं जोड़ सकते, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, वेलोसिटी को लेंथ को लेंथ के साथ ही क्या कर सकते हैं, आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी दो सेम क्वांटिटीज को आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये रहा आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लो। इट स्टेट्स दैट वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इस पे मैंने यहाँ पे, इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन आपके पास ऐसा था कि हमारे पास मान लो ऐसे लिखा है b equals to alpha plus beta t, है ना, b equal to alpha plus beta into t लिख रखा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, जस्ट अ सेकंड, यस देखो भाई ये हमारे पास एक क्वेश्चन है b equal to alpha plus beta t, है ना। सो नाउ स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन विजिबल टू यू,
स्क्रीन नहीं दिख रहा, जस्ट सेकेंड, ये फ्रीज हो चुका है, जस्ट सेकेंड, अभी सही होगा, जस्ट वेट में, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है ना, ओके ओके, या सो अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में तो फॉर्मूला हमने क्या देखा कि किसी दो सिमिलर क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपके पास इसे लिख रखा हो b इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, इफ सी इफ हियर v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा t लिख रखा है, है ना, वेयर आपको बोला है v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, है ना। So, अभी यहाँ पे पूछा गया आपसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ, है ना, ये सवाल है आपके सामने। सो अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम ये जानते हैं कि कोई भी दो सिमिलर क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो अभी देखिए, अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा टी इक्वल टू क्या रखा है, वेलोसिटी। सो अगर ये फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है, तो अल्फा भी क्या होगा, ये एक वेलोसिटी होगा, और बीटा टी है वो भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, ये भी वेलोसिटी और वो भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला करेक्ट है, है ना। नाउ चलिए, आपको ये दे दिया गया कि यस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो ये अल्फा भी क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि इसकी डायमेंशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन और ये अल्फा का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम हो, है ना। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही अभी किसका होगा, अल्फा का डायमेंशन होगा, बिकॉज अल्फा इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो नाउ यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल टी माइनस वन। तो एक आंसर आ गया आपके पास कि अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपके पास एल टी माइनस वन, है ना। नाउ सेकेंड, यहाँ पे बीटा का डायमेंशन निकालना, तो अभी देखिए ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये भी क्या होना चाहिए, इवन वेलोसिटी का ही टर्म होना चाहिए, कि पूरा का पूरा जो टर्म आपको देख रखा है बीटा टी, ये भी क्या वेलोसिटी इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी तो आप इसको जोड़ सकते हैं वेलोसिटी के साथ, है ना, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, करेक्ट। तो अभी देखिए ध्यान से, यानी कि जो बीटा टी है ना वो भी क्या है भाई, वेलोसिटी ही है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, दिस डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू टी इज इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, है ना, इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है, वेलोसिटी की डायमेंशन की जैसा ही है। तो चलिए बीटा के डायमेंशन निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इंटू टी इक्वल्स टू वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे आएगी एल टी माइनस टू है, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, टी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एल टी माइनस वन अपॉन टी, है ना, तो कितना हो गया आपके पास एल टी माइनस टू, है ना, डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास एल टी माइनस टू। आई बात समझ में, क्या सबको समझ में आया, यस एवरीबॉडी गिव योर रिस्पॉन्स फास्ट, क्या सबको समझ में आया सारे बच्चों को, ओके ओके। नाउ अभी देखिए, कल मैंने आपको एक सेम क्वेश्चन दिया था, है ना, तो चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा एक सवाल दिया था, किया क्या आपने वो सवाल, कितने बच्चे करके लाए वो सवाल, x इक्वल्स टू करके लाए, क्या आंसर है, आंसर टाइप करेंगे, गलत करके आए, देख रहे हैं। तो एक दूसरा सवाल दिया था, किधर दिया सवाल आपने, या ये क्वेश्चन था, है ना, देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपॉन ई टी, है ना, ये क्वेश्चन है। अब यहां से कौस्तुभ इज हियर, कौस्तुभ आर यू हियर इन मीटिंग, कौस्तुभ एनी प्रॉब्लम आपको, सब कुछ ठीक है, सुन पा रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, यस। देखिए बच्चों,
तो ये जो भी x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपॉन ई टी है ना। सो नाउ अभी इस प्रॉब्लम में हमें ए बी सी डी और ई सब की क्या करनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो x क्या है, x लेंथ है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए बी सी डी, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला सारे के सारे जो टर्म्स है वो क्या होने चाहिए, लेंथ होने चाहिए। तभी तो आप लेंथ को लेंथ से क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई, सॉरी क्या कर सकते हो, आप उसको जोड़ सकते हैं, है ना। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन भाई, यहाँ पे ई प्लस टी है, यहाँ पे भाई ई प्लस टी है, ई प्लस टी है ना। क्वेश्चन में आपका डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वाले सवाल को सॉल्व करते हैं इस सवाल को। नाउ देखेंगे सब लोग ध्यान से, तो इस सवाल में ऐसा दे रखा है, x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी है ना। तो ए बी सी डी और ई की क्या करनी है, हमें डायमेंशन निकालनी, ए बी सी और डी की डायमेंशन निकालनी, ई की नहीं निकालनी। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो ए भी क्या होगा, लेंथ होगा, यानी कि ए का जो डायमेंशन है तो वही डायमेंशन किसका होगा, एक्स का होगा, यानी जो डायमेंशन एक्स का है वही डायमेंशन ए का होगा, बिकॉज सेम क्वांटिटी को आप जोड़ेंगे तो वही क्वांटिटी आने वाली। नाउ तो क्वांटिटी हमारी क्या आ गई भाई, हमारी ए की जो डायमेंशन आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे एल आ गई है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, बी की डायमेंशन निकालते हैं, यानी यहाँ जो हमारा जो बी टी है, इस बी टी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन होगी किसकी, एक्स की डायमेंशन होगी है ना। नाउ अभी देखेंगे यहाँ पे, तो बी टी का जो डायमेंशन है बी टी, वो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, यहाँ पे एल के बराबर। नाउ ये हो गया आपका बी इंटू टी की पावर 1 इक्वल टू L1। तो नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो बी की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, एल टी माइनस 1 है ना। जैसे करके हमने क्या कर दिया भाई, बी की डायमेंशन निकाल ली है ना। नाउ सी की डायमेंशन निकालते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी की डायमेंशन निकालेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, सी टी टू इक्वल टू यहाँ पे कितना है, एल एल है ना। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे सी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल टी की पावर -2। सी की डायमेंशन हो गई एल टी की पावर -2 है ना। अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास ई बच गए है ना। तो ई की जो डायमेंशन आएगी, देखिए यहाँ पे ये कैसे लिख रखा है, यहाँ पे ई प्लस टी लिख रखा है ना। देखिए ध्यान से, ये क्या लिख रखा है भाई आपके पास, यहाँ नीचे ई प्लस टी लिख रखा है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ई की डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, जो डायमेंशन टी की है वही डायमेंशन होगी है ना। तो डायमेंशन ऑफ जो ई आएगी वो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आप सही कर लेना, कल यहाँ पे e इंटू टी लिखा है आपको, दैट दिस इज e प्लस टी। ये क्या है भाई आपका, ये है e प्लस टी है ना, ये क्या है, e प्लस टी है। तो यहाँ पे जो e की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टी, टी के बराबर होगा, यानी जो e की डायमेंशन है वो कितनी होगी, यहाँ पे टी होगी है ना। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट मुझे d का निकालना है ना। वैसे e का तो कैलकुलेट करना ही नहीं था, e का छोड़ दो। नाउ अभी देखिए ये डी का निकालना है, तो कितना लिखेंगे इसको, डी टी क्यू अपॉन टी। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक्स की डायमेंशन के बराबर है ना। ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे एक्स की डायमेंशन के बराबर होगा। करेक्ट। नाउ इसको अगर आप यहाँ पे अभी सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इंटू टी की पावर 3 अपॉन टी है ना। ई छोड़ दीजिए भाई, ई की डायमेंशन नहीं निकालनी, ई की डायमेंशन आपको नहीं निकालनी है ना। देखिए ध्यान से, सी तक आया आपको, सी की डायमेंशन निकाल लिया हमने, सी तक सबको समझ में आया भाई, सी तक सी सबको समझ में आया, सी की डायमेंशन कैसे निकाली है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ई नहीं पूछ रखा है आपको, डी तक ही निकालेंगे। करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, अभी ये जो क्वांटिटी है डी टी की पावर 3 अपॉन टी है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है ना, डी टी की पावर 3 अपॉन ई प्लस टी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए ध्यान से, डी टी की पावर 3 अपॉन टी है ना, ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो नाउ अभी इसकी क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एल के बराबर लिखती है ना। अभी चलो आप इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा भाई,
ए आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डी की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी आपके पास एल टी माइनस टू, है ना भाई। वास्तु आप बीच में आ रहे जा रहे हैं, यस क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट, किसी बच्चे को डाउट यहां तक, टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? हर्षल ओके, एनीबॉडी एल्स? सब लोग अपना रिस्पांस देंगे यहां तक, कोई दिक्कत आपको, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फास्ट सब लोग अपना रिस्पांस देंगे, एवरीबॉडी यस। तो देखिए भाई ए बी सी डी यहाँ पे क्या करनी है मुझे, डायमेंशन निकालनी है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए जो इंडिविजुअल टर्म्स है ना, जो आपके जो जितने भी इंडिविजुअल टर्म्स है सबको हम क्या कर रहे हैं, एक्स की डायमेंशन के बराबर कर रहे हैं। ए को भी हमने क्या किया, एक्स की डायमेंशन के बराबर किया, बी सी को भी हमने क्या डायमेंशन के बराबर किया है ना, और हमने क्या किया यहाँ पे इस सी टी स्क्वायर को भी हमने क्या किया, एक्स की डायमेंशन के बराबर किया, करेक्ट। नाउ इस ये वाले पूरे टर्म में, ये वाले पूरे टर्म में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसा लिखा है हमने डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ऐसा लिखा डी टी क्यूब अपॉन टी, है ना, हमने इतना ही यहाँ पे लिया। सो ये जो है इसकी भी डायमेंशन क्या होगी भाई, एल के बराबर ही होगी, है ना, इसकी डायमेंशन को क्या करेंगे, एल के बराबर ही लेंगे। तो ना अभी से हमने यहाँ पे डी की डायमेंशन निकल दी थी, यहाँ से एक टी से एक टी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसा आ गया आपका, ये ऐसा आ गया आपका डी टी की पावर टू इक्वल्स टू एल। तो नाउ ये ऐसा कैसा आ जाएगा, डी इक्वल टू एल अपॉन टी की पावर टू। सो डी कितना आएगा यहाँ पे, एल इंटू टी की पावर माइनस टू, है ना जी। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है आपको, एनी डाउट? यस हर्षल, हर्षल आपको समझ में आया सर? e वाला नहीं समझ में आया सर, e प्लस टी का मतलब कैसे? और e प्लस टी में हमें d तक ही निकालना है, e का हमें नहीं निकालना है, है ना, e का हमें नहीं निकालना है, e की डायमेंशन हम कैलकुलेट नहीं कर रही है, ओके, e की डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर रही है, ओके सर, ओके, है ना। क्लास के बाद आपको मैं और समझाता हूँ, ठीक है, e की डायमेंशन भी कैलकुलेट करनी करनी है हमें, ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम कल के क्वेश्चंस पे, कल जहां हमने टॉपिक लीव किया था वहां पे आते हैं। यस, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था हमने चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, है ना, ये जो फॉर्मूला का जो करेक्टनेस होता है वो कैसे आता है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनको क्या करना है, हमें चेक करना है कि डायमेंशनली कैसे करेक्ट है ना। सो नाउ अभी देखिए हमें फॉर्मूले को चेक करने के लिए भी क्या करना होता है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस हमें यूज करना होता है। सो कल मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि कोई भी अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, अगर आप कोई रिसर्च करते हो, तो उसमें आपको जो लास्ट का जो रिजल्ट आता है ना, उसको हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम चेक करते हैं, है ना। कैसे यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। तो दो आपकी तरफ दो क्वांटिटीज आ गई, एक एलएचएस साइड पे और एक आरएचएस साइड पे, है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास s equals to ut plus half at square लिख रखा है, सो इसमें ut और half at square, है ना, ये भी क्या होने चाहिए, s जैसे ही क्वांटिटीज होनी चाहिए। बेसिकली अब यहाँ पे s क्या है, a डिस्प्लेसमेंट है, मतलब s क्या है आपके पास, लेंथ, और ut भी क्या होनी चाहिए भाई, लेंथ होना चाहिए और half at square भी लेंथ होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना, हाफ एटी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, लेंथ ही होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, तभी ये क्या हो पाएगा, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ आ पाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस लगा दिया, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखा, एस को लिख सकते हैं हम एल, यू टी को क्या लिख सकते हैं हम, यू को लिख सकते हो एल टी माइनस वन, और टाइम टी को लिख सकते हैं आप यहाँ पे टी, करेक्ट। हाफ कॉन्स्टेंट्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, रियल नंबर्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसका भी कुछ भी यहाँ पे डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है भाई यहाँ पे, एल टी माइनस टू, है ना, और टी, टी क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टाइम का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो आप सॉल्व करो, टी की पावर माइनस वन एंड टी की पावर वन, तो क्या हो गया, ये नलीफाई हो गया, यहाँ पे टी की पावर हो गया यहाँ पे टू, और यहाँ पे टी की पावर कितनी है, प्लस टू, दोनों मिलकर भी क्या हो गए, नलीफाई हो गए, है ना।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी L बचा और यहाँ पे भी L बचा, तो L इक्वल्स टू L प्लस एल। ओके जी, ये समझ में है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, है ना। क्या है, आपने सॉल्व किया इसको? चलिए इसको हम देखते हैं सॉल्व करके कैसे आता है नहीं आता है। सो नाउ अभी यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस फॉर्मूले को। तो देखिए आपके पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, हमें इसको चेक कर रहा है कि ये करेक्ट है या नहीं है, है ना। सो नाउ वी क्या है भाई, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एल टी माइनस वन और इसका हो गया यहाँ पे स्क्वायर। ओके, माइनस यू क्या है हमारे पास, यू है हमारे पास एल टी माइनस वन और इसका भी क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायर। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये टू क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ये ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है यहाँ पे एल टी माइनस टू। ओके, और एस क्या है हमारे पास, एस क्या है, एस क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे एल हो, है ना। नाउ अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा हमारा, एल टू टी माइनस टू, है ना। ये टू की पावर एक बार यहाँ पे जाएगी और ये टू का पावर यहाँ पे, दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई माइनस, इट विल हियर यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एल की पावर टू एंड टी की पावर माइनस टू, है ना, इक्वल टू। अभी देखिए यहाँ से एल को एल से आपने किया मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगे, ऊपर ऐड हो जाएंगे, एल की पावर टू एंड टी की पावर माइनस टू, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू मतलब दोनों क्या है भाई, सेम क्वांटिटी, दोनों क्या है भाई, सेम क्वांटिटी है। अगर इन दोनों में से अगर आप कुछ माइनस करते हो तो एग्जैक्टली उन्हीं की जैसी क्वांटिटी आएगी। जैसे मैं मान लो ऐसा बोलता हूँ, वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड और ये 3 मीटर पर सेकंड, है ना। 5 का आपने स्क्वायर कर दिया या क्या 25, 3 का स्क्वायर कर दिया हो गया 9, दोनों का आपने घटा दिया तो कितना आएगा 16। आप बताइए 16 क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फास्ट। ये 16 क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन। जो 16 मैंने लिखा है ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, करेक्ट। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू दोनों को आप इसमें से घटाया तो भी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, है ना। तो इन दोनों को घटा के जो डायमेंशन आएगी वो भी कितनी आएगी, एल टू टी माइनस टू विल बी इक्वल टू एल टू टी माइनस टू। ओके हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ गया था होमवर्क में करके, फास्ट बताएंगे आंसर, गिव योर रिस्पॉन्स फास्ट। समीर वेरी गुड, फास्ट कितने लोगों किया था, विघ्नेश ने किया, निकिता ने कर लिया, वेदांत ने कर लिया, ऋषभ ने कर लिया, हर्षल आपने किया, कितने लोग आया भाई आंसर, हर्षल का आ गया वेरी गुड, संजय का आ गया, आलोक का आ गया वेरी गुड, वाह क्या बात है, यस चलिए ये आ गया। और देखिए नेक्स्ट मैंने क्या दिया था आपको, नेक्स्ट दिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, इसको भी करके आना। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, चेक whether, check whether, whether it is dimensionally correct, ये dimensionally correct है या नहीं, है ना, ऐसे करके एग्जाम में कहता है क्वेश्चन, है ना। सो यहाँ पे v equals क्या है हमारे पास, u plus at है, तो देखिए अभी क्या लिखेंगे, सबके dimensions देखेंगे, तो v क्या है आपके पास, v velocity है, तो इसके dimension आएंगे हमारे पास l t minus, है ना। और देखिए next ये u क्या है भाई आपके पास, u की क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे t माइनस वन, है ना। और प्लस, प्लस की क्या है, एक्सेलरेशन इन टाइम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो होता है एल टी माइनस टू, है ना, एल टी माइनस टू। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे t, तो देखिए t की पावर यहाँ पे कितनी है माइनस टू और यहाँ पे पावर कितनी है प्लस वन, तो नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई एल टी माइनस वन, है ना। यानी कि क्या कर रहा है आपने यहाँ पे, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से जोड़ा है, तो फिर क्या है आपका, इधर भी आपके पास सिक्स क्वांटिटी। हाँ जी क्लियर है, है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कल जो बच्चे नहीं आए थे क्या उनको समझ में आ रहा है, कल जो बच्चे नहीं आए थे क्या उनको समझ में आ रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स फटाफट देंगे, कल जो बच्चे नहीं आए थे वो क्या पकड़ पा रहे हैं आप, क्या आप कंटिन्यूएशन में आ पा रहे हैं, कल जो बच्चे नहीं आए थे उनकी बात कर रहा हूं मैं, पक्का
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। नाउ हर्षल, हर्षल आप सुन रहे हैं? हर्षल आपको समझ में आ रहा है? हाँ, देखो हर्षल आपका ये जो सवाल है ना, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इसको मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद लेक्चर के एंड में समझाता हूँ, है ना। सब लोग वहां पे रुकेंगे, अच्छा तरीका है। हाँ देखिए भाई, और इसमें जो ये जो आपका जो करेक्शन ऑफ फॉर्मूला है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इन सब में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि अभी हमने देखो, अभी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या आया, ये फॉर्मूला पूरा डायमेंशन आपका यहाँ पे करेक्ट आया है ना। बट अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास फॉर्मूला मान लीजिए क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस 380 स्क्वायर, है ना, अब आप बताओ कि ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है डायमेंशनलिटी या इनकरेक्ट है ना। तो अगर आप अभी यहाँ पे अगर डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो ये तो बराबर आ जाएगा, है ना, ये तो बराबर आएगा, बिकॉज तीन डालो, चार डालो, पांच डालो, वहां पे क्या होती है, डायमेंशन की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना, तो डायमेंशन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, करेक्ट। बट ये फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, ये फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। बट अगर कोई फॉर्मूला इसके जैसा, अगर कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, इसका मतलब नहीं कि ये फिजिकली भी करेक्ट हो, है ना। तो इस बात को आप नोट करेंगे, इस बात को आप नोट करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नाउ आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, तो आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डेराइविंग न्यू रिलेशन, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले यहाँ पे डेराइविंग न्यू रिलेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इज डेराइविंग न्यू रिलेशन। Just a second. Screen at a green thing. Yeah. तो देखिए application of dimension आज से start कर रहे हैं, अभी हम नया lecture आज से हमारा start हो रहा है, application 2, है ना। इसका एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन, एंड दैट इज हियर डेराइविंग न्यू रिलेशंस, है ना। न्यू रिलेशंस हम कैसे डेराइव करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास फोर्स है, है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास फोर्स है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। So, फोर्स की यूनिट अगर आप एसआई में देखो तो क्या होता है, न्यूटन, और उसको अगर आप सीजीएस में देखो तो सीजीएस में क्या होता है, उसकी यूनिट होती है लाइन, है ना। सो एक्चुअली इनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 लाइन, है ना। तो एक्चुअली अब ये रिलेशन कैसे आता है, हमें इस बात को डायरेक्ट करना है ना। तो एग्जाम में ये भी क्या करते हैं, आपसे 5 मार्क्स का सवाल ही आपसे पूछते हैं, मिनिमम 5 मार्क्स का सवाल आपसे, 5 मार्क्स का सवाल, है ना। सो इसको ये डेरिवेशन हमें कैसे करना है वो सीखते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करो, भले ही आप उसको एसआई में मेजर करो, भले आप उसको सीजीएस में मेजर करो, दैट फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट बी चेंज, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होने वाली, करेक्ट। भले ही आप इसमें एसआई में किलोग्राम में मेजर करते हो, तो सीजीएस में आपको ग्राम में मेजर करना पड़ेगा, है ना। So, भले क्या हो जाएगा, आपके जो यूनिट्स है वो चेंज हो जाएंगे, बट फिजिकल क्वांटिटी क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी क्या रहना है, उनका सेम है, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, एन वन इंटू यू वन इक्वल्स टू एन टू इंटू यू, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मान लो कोई एक रिलेशन ले लिया, मैंने यहाँ पे वन की जी, करेक्ट। तो ये वन क्या है, वन तो आपकी यहाँ पे ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये केजी क्या है भाई, ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, है ना। अब अगर आप इसी को क्या करते हो, इसी को सीजीएस में लिखते हो, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1000 ग्राम,
क्या लिखेंगे भाई 1000 ग्राम करेक्ट। अभी इस N1 U1 equals to NT U2 के हिसाब से 1 kg को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1000 into ग्राम करेक्ट। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 kg भी लिख सकते हो, आप उसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हो, बट इसका डायमेंशन इधर भी सेम रहेगा और इसका डायमेंशन इधर भी सेम रहेगा, है ना। ये बात आ रही समझ में सबको? नाउ चलिए तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम, ऐसा लिखते हैं हम n into u is equals to constant, n into u जो होगा क्या लिखते हैं हमें यहाँ पे constant करेक्ट। तो चलिए अभी निकालते हैं हम न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। सो हमें क्या निकालना है भाई, 1 न्यूटन इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ डाइन, है ना। अभी हमें पता नहीं तो हम मान लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x into 9, किस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से n1 into u1 equals to n2 into u2, ओके ये हो गया डन आपका। नाउ अभी ये क्या है भाई, SI है और ये कैसा आपका CGS है, है ना। तो SI में कैसे लेते हैं, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, बट CGS में कैसे लेते हैं हम, मास को ग्राम में और लेंथ को, सॉरी मास को सॉरी ग्राम में और लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में, है ना। तो अभी यहाँ पे इसकी ऊपर डायमेंशन लिखो, तो इसको लिखूंगा यहाँ पे m1 l1 t माइनस टू करेक्ट। इसकी हमने यहाँ पे डायमेंशन लिख ली यहाँ पे। नाउ इधर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो इस यहाँ पे लिखेंगे x टाइम्स ऑफ m2 l2 की पावर माइनस टू, है ना। तो यहाँ पे m1 m2 क्यों लिखा, बिकॉज ये m1 अभी यहाँ पे kg में कंसिडर होगा, तो यहाँ पे ये इसमें ग्राम में कंसिडर होगा, है ना। तो इसको मैंने m1 लिखा, इसको यहाँ पे m2 लिखा। सिमिलरली ये जो आपका लेंथ है इसको मीटर में दिखाएंगे और इसको इधर कैसे दिखाएंगे, इधर हम सेंटीमीटर में यहाँ पे हम शो करेंगे, बिकॉज क्या है ये CGS है, है ना। नाउ अभी देखिए, सो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, m1 को लिख लेता हूँ 1 kg, है ना, इंटू इसको लिख लेता हूँ मैं 1 meter और यहाँ पे 1 second और इसकी पावर यहाँ पे -2, ओके। Now, next, इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे x टाइम्स ऑफ m2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 ग्राम, है ना, पावर इसकी 1 है। l2 को मैं क्या लिखूंगा, l2 को लिखता हूँ मैं 1 centimeter, ओके। और यहाँ पे फिर t2, तो CGS में टाइम को भी कैसे हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो ये भी 1 second का यहाँ पे पावर -2, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये टाइम को बिल्कुल हम एक ही जैसा मेजर करते हैं सेकंड में, तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, है ना। नाउ हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस बात को, हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो नाउ यहाँ पे हियर एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास 1 kg अपन यहाँ पे आएगा आपके पास 1 ग्राम, है ना, इंटू 1 meter अपॉन 1 centimeter। ये सारे क्वांटिटीज को मैंने क्या कर लिए, इधर ले लिए इस साइड में, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, x इक्वल टू अभी इस किलोग्राम को ग्राम के टर्म्स में लिखते हैं, है ना। तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ओके, इनटू इस 1 मीटर को कैसे लिखेंगे भाई सेंटीमीटर के टर्म्स में, 100 centimeter इक्वल टू 1 meter अपॉन 1 करेक्ट। यहाँ से अगर आप देखो सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आ गया, आपके पास 10^5 अपॉन 1, मतलब यहाँ पे आपके पास आ गई x की वैल्यू आ गई 10^5। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10^5, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 newton equals to x dyne, मतलब कितना आ गया भाई 1 newton equals to 10^5 dyne। यस, क्या सबको समझ में आया, एनीबडी एनी डाउट, Anybody is having any doubt? Fast, reply fast. किसी को कोई doubt है, किसी बच्चे को? Fast, कहीं पे भी doubt है point करेंगे. Okay, thank you, Harshal, Kanchan, Sanjay, Hriday. Yeah, समझ में है? सबने note कर लिया सबने? Okay, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? फोर्स की SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है हमने वो हमने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट इसमें जो सेकंड आता है, सेकंड इज रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क, है ना।
तो ये जो आपके पास जो वर्क की जो यूनिट होती है ना, वर्क यूनिट एसआई में होती है जूल, है ना, और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है अर्ग, है ना। तो वन जूल इक्वल टू होता है 10^7 अर्ग्स, है ना। इनमें दोनों में ईयर रिलेशन होता है, 1 जूल = 10^7 अर्ग्स, है ना। तो आई वॉन्ट यू टू डेराइव इट, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करिए, डेराइव करें। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो 1 न्यूटन = x x टाइम्स ऑफ 9, यहाँ पे m1 L1 t^(-2) इक्वल टू ऐसे लिखा, x टाइम्स ऑफ इतना x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। नाउ अभी भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे 1 जूल = x टाइम्स ऑफ अर्ग्स, है ना, ऐसा लिखेंगे। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आप वर्क की डायमेंशन लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वर्क की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे और इधर इनकी डायमेंशन लिखेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे ना, पिछले जैसा ही है। तो वर्क का डायमेंशन मैंने आपको बताया, वर्क का डायमेंशन क्या होता है भाई, फॉर्मूला तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन पता है, डिस्टेंस की डायमेंशन पता है, वर्क की डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए फास्ट कीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, 1 मिनट का, चलिए करके दिखाइए, हो जाए तो बताइए। फर्स्ट वी कैन कम्युनिकेट टू मी इन बिटवीन, फर्स्ट ML2T-3, यस दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो अब यहां पे पुट करेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे आप इसको M1 L1, सॉरी ये होती ML2T-2 होता है, देख वैसे ऐसे निकालेंगे। वर्क की डायमेंशन निकालोगे यहां पे आप F(d), एफ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ML T-2, है ना, इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन यहाँ पे हो गया L। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास ML2T-2, है ना, कुछ बच्चों का हो गया। हाँ भाई, कर पाए सारे लोग, या तो अभी देखिए भाई यहाँ पे कर नहीं कर रहे आप लोग, ओके 2 दिन बच्चों का हो गया, चलिए देखते सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो ये देखिए यहाँ पे इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर लिख सकता हूँ यहाँ पे M2 L2 raised to the power 2 t^(-2), है ना, ऐसे लिखते हैं आपने। नाउ अभी यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एम को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे kg लिख सकते हैं। सो हियर इट विल बी 1 kg into, यहाँ पे अभी देखिए 1 मीटर का यहाँ पे क्या रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इंटू अभी यहाँ पे 1 सेकेंड, सेकेंड लिया और इसकी पावर यहाँ पे -2 = x टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या आएगा भाई, 1 ग्राम आएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, इंटू 1 सेकेंड और इसकी पावर -2। तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये कैसा आएगा आपके सामने, तो ये आएगा आपके पास x = 1 kg, तो इसको मैं 1000 ग्राम लिख देता हूँ अपॉन 1 ग्राम इंटू, अभी देखिए 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 100 × 100, करेक्ट, अपॉन 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 1,
तो अभी देखिए ये कितना हो गया 10 की पावर 4 और 10 की पावर यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10^7। तो देखिए यहाँ पे कितनी पावर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो x कितना आ गया आपके पास 10^7, है ना। तो नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 joule = 10^7 arcs। यस, आप पूछो एनी डाउट। अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यस, फास्ट गिव यू रिस्पॉन्स एवरीबॉडी। चैट, कोई डाउट है किसी बच्चे को? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉस्टो कुछ नई सेटिंग्स की गई है, इसलिए आप चैट इतने फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। आप मुझे बता सकते हो, यू कैन चैट विथ मी, एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। सो नाउ आज का अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज अगेन नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिराइव एनी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो अभी जो नया फॉर्मूला है वो इस हिसाब से क्या कहता है वो एक बार समझेंगे। जैसे मान लो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। F equals to ma को हम कैसे derive करते हैं, हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ के हिसाब से बोलते हैं कि क्या होता है भाई, rate of change of momentum is equals to mass into acceleration, है ना। तो 9th क्लास में आप क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आप निकालते हो, करेक्ट। क्या मतलब जितना मास होता है, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप क्या करते हैं उसका डेरिवेशन करते हैं, है ना। और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको निकालने का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, हमारा तरीका होता है। जैसे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। सो मैथमेटिकली डिफाइंड अब तक तो हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है उनका डेरिवेशन हमने क्या देख रखा है, मैथमेटिकली देख रखा है। बट क्या हम इन सारे फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं क्या? जैसे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, है ना, हमने पढ़ रखा होगा, करेक्ट। अभी डायमेंशनल एनालिसिस से हम कैसे इन सारे फॉर्मूलास को हम डिराइव कर सकते हैं, अभी हमें वो सीखना है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है आपका, यहाँ से हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं कि जस्ट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हाउ वी कैन डिराइव दीज फॉर्मूलास, हाउ वी कैन डिराइव दीज फॉर्मूलास, ओके। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सब लोग हेडिंग डालेंगे, डिराइविंग न्यू फॉर्मूलास, डिराइविंग फॉर्मूलास डालेंगे, डेराइविंग फॉर्मूलास यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम फॉर्मूलास हम कैसे निकालेंगे, है ना। सो नाउ जैसे पहला मैंने आपको बताया कि पहले हम किसको डिराइव करने जा रहे हैं, F equals to mass into acceleration, है ना, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करने जा रहे हैं। सो अभी आप मान लो किसी लैब में गए, किसी कंपटीशन में गए, किसी एग्जाम में गए और वहां पे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहेगा और आपसे पूछा जाएगा चलो भाई F equal to ma आप डिराइव करके दिखाओ, है ना। और वो आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्या देख रखते हैं, वो आपको यहाँ पे बोलते हैं कि जो फोर्स लग रहा है ना भाई, जो आपका जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पे है, एम पे डिपेंड कर रहा है, और वो फोर्स जो आपका लग रहा है ना वो ए पे डिपेंड कर रहा है ना। ये फोर्स आपका एम पे डिपेंड कर रहा है और ये फोर्स आपका ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो चलो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को एफ इक्वल्स टू एम ए आप बना के दिखा, है ना, ऐसा आपको दिया रहता है ना। तो चलिए हम इसी सवाल को करके देखते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए करके देखते हैं। तो नाउ इसमें अभी आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सर एफ इक्वल्स टू एम तो हमें पता है ना, क्यों हम ऐसा निकाल पाए।
तो देखो ऐसा होता है कि अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करके अगर आप इसको सही से निकाल रहे हैं तो एक बार तो फिर ये एक बार फिर से ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई एफ इक्वल्स टू एम फॉर्मूला करेक्ट है ना। अगर डायमेंशनली करेक्ट ना हो, अगर दोनों तरफ फोर्स की डायमेंशन ना आए तो क्या कह सकते हैं भाई, फॉर्मूला ही सही नहीं है ना। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिख रखा हो एफ इक्वल्स टू एम की एम ए की पावर टू है ना, क्या फॉर्मूला करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। तो अगर कोई डायमेंशनल एनालिसिस करके इसको यहाँ पे फॉर्मूले को नीचे लेके भी आता है तो आपका यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम ए आना चाहिए, एम ए ना कि ए की पावर टू आनी चाहिए है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पे हम अभी लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स सभी लोग लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, on an object depends upon mass and acceleration of object. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है find expression for force in terms of mass and acceleration है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या बोलेंगे, भी आपको ये बताएंगे कि बॉडी पे जो फोर्स लगती है ना वो मास पे डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो चलो आप फोर्स का फॉर्मूला आप निकाल के बताओ मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स है ना। ना चलो अभी देखिए ध्यान से, तो मुझे ये पता है जो आपका जो फोर्स है ना एक उस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। अभी एम की पावर कुछ तो आ सकती है ना, एम की पावर वन आ सकती है, टू आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम की पावर यहाँ पे एक्स, ठीक है। नाउ ये सेम फोर्स क्या हो रहा है, ये सेम फोर्स आपका एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिखते हैं ए की पावर ओ वाई, ठीक है, ऐसा लिख लिया। नाउ अगर इन दोनों पे हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, टेंथ क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो अभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे F is equals to k times of m की पावर x into a की पावर y है ना, ऐसा लिख दिया हमने। ना अभी देखिए k क्या है भाई, k तो एक dimensionless quantity है। And if this formula is dimensionally correct, है ना, अगर ये formula क्या आपका dimensionally correct है तो dimension of LHS must be equal to dimension of RHS. LHS और RHS दोनों तरफ की dimension क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए, है ना? तभी तो क्या होगा formula आपका dimensionally correct है। तो चलिए अब हम निकाल के देखते हैं। Now this k is a dimensionless constant. इस k का कुछ भी constant नहीं है। This is a dimensionless constant, है ना? पहले ही हमने आपको बता दिया। Now, अभी देखते हैं आंसर। तो इधर क्या लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं हम फोर्स की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी भाई यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, है ना। एम के ऊपर पावर हो गया वन वन और ये टी की पावर कितनी हो गई माइनस टू, है ना, एम एल टी माइनस टू, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए तो एम क्या है भाई, मास है, तो इसका मास का डायमेंशन होगा यहाँ पे कैपिटल एम और इसकी इसके ऊपर पावर कितनी होगी यहाँ पे एक्स, है ना। एंड दिस इज एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है भाई आपके पास यहाँ पे एल टी माइनस टू होता है और इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे ओ वाई, है ना जी, क्लियर है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमने क्या किया एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ के डायमेंशन में हमने क्या किया इक्वेट, बराबर। नाउ यहाँ पे इधर आप देखो तो इधर एम की पावर कितनी है, एम के ऊपर पावर है यहाँ पे वन, एल के ऊपर वन, टी के ऊपर माइनस टू, और इधर का आप देखते हैं तो कितना है, ये हो गया एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर माइनस टू वाई, हाँ जी क्लियर है यहाँ पे। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या है इक्वल है, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन दोनों डायमेंशन क्या है आपकी इक्वल है। नाउ अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल है तो इन दोनों के ऊपर मास, लेंथ और टाइम, इनके ऊपर जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, करेक्ट। नाउ अभी देखिए
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ देखिए यहाँ पे m m देखो, आप दोनों तरफ मास को देखो, है ना, दोनों तरफ मास को देखो और उसके दोनों के बेसिस को हम कंपेयर करेंगे, है ना, दोनों के बेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे m की पावर 1 लिखा है और यहाँ पे m की पावर x। सिंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों के डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, करेक्ट ना। दूसरा देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप L को देखेंगे, आप ध्यान से L को देखेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या है, दोनों के बेस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे L की पावर 1 और यहाँ पे क्या है, L की पावर y, है ना। तो नाउ देखिए दोनों के बेस सेम है तो दोनों के पावर भी सेम होंगे, तो y इक्वल टू 1। और ये इक्वल क्यों किया, बिकॉज दोनों डायमेंशन क्या है, इक्वल है, दोनों डायमेंशन इक्वल है, तो नाउ यहाँ पे आगे y इक्वल टू 1। नाउ t की डायमेंशन आप यहाँ पे देख लीजिए, तो t की डायमेंशन यहाँ पे माइनस 2 है और इधर क्या आपके पास माइनस ऑफ 2 है, दोनों की पावर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी y इक्वल टू 1 आ गया। तो बाई इन तीनों इक्वेशन को यूज करके भी हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया, है ना, x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1 आ गया। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, f इज m की पावर यहाँ पे x और यहाँ पे m की पावर a की पावर y, इसका मतलब ये निकला f equals to ma, है ना, m की पावर 1, a की पावर 1, और इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कि f equals to ma होता है by using dimensional analysis। Yes, but any doubt? Any doubt? समझ में आया क्या, सबको समझ में आया, सारे बच्चों को, सब लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे फटाफट। या एनीबडी इज एनी डाउट, किसी बच्चे को जरा सी भी डाउट है, एवरीबडी, सबने टाइप नहीं किया, सब लोग रिस्पॉन्स दो भाई अपना फटाफट। ओके, यहां तक सबको समझ में आया। नाउ अभी दूसरा सवाल लेते हैं, इसका दूसरा एप्लीकेशन। तो ये तो हो गया, हमने ऐसा दिखा दिया कि ये ऑफ एफ इक्वल्स टू एम होता है, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो मेजर क्या था, आपको क्या करना था, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि डायमेंशन जो LHS में होगी वही डायमेंशन RHS में होगी, और क्वेश्चन आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, है ना, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, कुछ पावर तो होगी भाई उसकी, 1 होगी 2 होगी, तो m के ऊपर x लिख लिया, a के ऊपर हमने क्या लिख लिया, y लिख लिया। तो नाउ अभी यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे f इक्वल्स टू k m की पावर x इनटू a की पावर y, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, LHS इसकी फोर्स की डायमेंशन लिख ली और इस पूरे की डायमेंशन लिख ली। तो इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से x, y और y की वैल्यू निकाल ली, कैसे, बेस को कंपेयर करके। तो यहाँ पे a की पावर m की पावर 1 आ गई, a की पावर 1 आ गई, और ये बात प्रूफ हो गई कि f इक्वल्स टू ma होगा। हाँ जी, क्लियर है, चलिए ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। Now, next. So, simple pendulum सबने क्या कर रखा है, देखा है simple pendulum. तो ये जो simple pendulum होता है, इसका जो time period होता है in one rotation या फिर क्या कहें यहाँ पे एक चक्कर में, जो इसका जो time period आता है वो कितना आता है, या था आपके पास 2 pi under root l upon g, है ना। इस formula को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, t equals to k into under root l by g। ये 2 पाई क्या है जी, 2 पाई क्या है आपका, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 पाई आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। सो बट यहाँ पे अगर आप देखो l की पावर, तो l की पावर कितनी है भाई, यहाँ पे l की पावर है 1/2, है ना। और यहाँ पे जो g की जो पावर है ना, तो g की पावर क्या है, g की पावर यहाँ पे है -1/2, g की पावर कितनी है -1/2, है ना। तो अभी तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने क्या कर दिया, अच्छे से पावर हमने बता दी। ओके नाउ नाउ अभी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा फोर्स के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे वेरी कर रहा है,
तो नाउ अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने. क्वेश्चन कैसा है आपके पास? क्वेश्चन इज जस्ट अ सेकेंड क्वेश्चन. यस, द टाइम पीरियड लिखेंगे सब लोग. द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द मास ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन तीन चीजों पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड जी. ऐसा सवाल है ना. सो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही बता दिया है कि अभी हमें क्या करना है, सब कुछ डिराइव करके l की पावर को 1 बाय 2 दिखाना है, g की पावर को माइनस 1 बाय 2 दिखाना है ना. इन दोनों की पावर को क्या मुझे हाफ और माइनस हाफ दिखाना है ना. तो हम अभी कैसे दिखाएंगे, तो सारा क्वेश्चन लिख दे दिया आपके सामने. जो टाइम पीरियड होता है किसपे, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है ना. ऐसा आपको बता दिया फॉर्मूले में, करेक्ट. तो अभी देखिए यहाँ पे जो आपका जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे मास तो है नहीं हमारे पास, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें मास तो किधर भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको दे दिया कि भाई डिपेंड करता है. अब क्या करेंगे, है ना, तो चलो डेराइव करेंगे. और डेराइव करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे एम के ऊपर जो पावर जो है ना, एम के ऊपर जो पावर है वो जीरो होनी चाहिए. एम के ऊपर अभी जो आपकी जो पावर है वो जीरो आनी चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g है. तो चलिए इस चीज को हम डेराइव करते हैं. तो जो जो इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे. ओके, तो लेट यहाँ पे लिखेंगे, लेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, मान लिए. हियर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर y, मान लिए. t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर z, मान लिए, है ना जी. हमने क्या किया, अभी सबको यहाँ पे अज्यूम कर लिया. नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर t इज इक्वल्स टू k इनटू l की पावर x, m की पावर y, g की पावर z. ओके, अज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे, तो तीनों चीजें हमने अज्यूम की, ये फॉर्मूला बना. अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डायमेंशन को इक्वेट कर लेंगे. तो देखिए यहाँ पे सबके क्या करेंगे, हम डायमेंशन लिखेंगे. तो इधर की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी भाई, वो हो जाएगी यहाँ पे m0 l0 और यहाँ पे t की पावर 1, है ना, इज इक्वल्स टू k, क्या कॉन्स्टेंट है हटा देंगे, भूल जाएंगे उसको, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे l की पावर x, है ना. और ऊपर क्या लिखू मैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं m की पावर y. ओके, और यहाँ पे g की डायमेंशन क्या होती है भाई, g की डायमेंशन होती है l t माइनस 2, और इसकी पावर पे लिखेंगे यहाँ पे हम z. ओके, नाउ अभी देखिए अभी पहले हम मास को कंपेयर करते हैं ना, m वाले टर्म को कंपेयर करते हैं. तो नाउ यहाँ पे क्या है भाई, m की पावर ऊपर है 0 और यहाँ पे m की पावर कितनी है y, है ना. तो यहाँ पे अगर इसके बेसिस को अगर आप कंपेयर करो तो m की पावर 0 इक्वल्स टू m की पावर y, दोनों बेस इक्वल है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा. यानी कि y क्या आ गया भाई, 0 आ गया. लो भाई मास की डायमेंशन आ गई 0, मास की डायमेंशन तो आ गई भाई 0, करेक्ट. दूसरा निकालते हैं भाई टाइम और लेंथ पे क्या आता है ना. सो नाउ दूसरा देखते हैं हम, l को कंपेयर करते हैं ना, लेंथ को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे आपने l को कंपेयर करो, तो देखिए भाई यहाँ पे l की पावर यहाँ पे z भी है ना. l की पावर यहाँ पे l t माइनस 2 है तो भी क्या होगा, z इसमें मल्टीप्लाई होगा.
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर क्या है आपके पास एल की पावर जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे एल की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एल की पावर जेड है ना। यहाँ पे एक्स और जेड दोनों है, एक्स और जेड दोनों है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो है ना। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या क्या बना दिया, इसको हमने वन बना दिया। एल की पावर एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास जीरो। देखिए ध्यान से यहाँ पे एल की पावर कितनी है भाई, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एल की पावर कितनी आ जाएगी, इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड, तो मैंने लिख लिया एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ओके नाउ अभी देखते हैं हम किस पे, एम देख लिया, एल देख लिया हमने, टी पे देखते हैं ना। तो नाउ अभी देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे टी को कंपेयर करोगे आप तो देखिए यहाँ पे टी की पावर क्या है भाई, यहाँ पे वन है, और इस तरफ अगर आप देखो ध्यान से तो टी की पावर यहाँ पे कितनी है भाई, -2z है। यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास टी की पावर -2z, टी की पावर कितनी आएगी भाई -2z है ना। तो हियर इधर इस साइड पे एलएचएस पे देखे तो टी की पावर अभी आपके पास वन है, और इधर कितनी है भाई टी की पावर यहाँ पे इधर -2z, टी की पावर वन इज इक्वल टू टी की पावर -2z है ना। तो नाउ यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास -2z इक्वल्स टू वन, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई जी यहाँ पे आपके पास -1/2 है ना। इसको बोल दिया मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू। नाउ इस z को मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस जेड, सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, ओके हाँ ठीक है, चलिए वहां पे रखेंगे हम, ठीक है यहाँ पे करेक्ट है। तो इसकी जेड की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस ये हो गया आपका -1/2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपके पास हाफ है ना। चलिए नोट कीजिए अभी तक यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ, और ये वाई की वैल्यू आ गई, सॉरी जेड की वैल्यू आ गई -1 है ना। तो अभी देखिए फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, फॉर्मूले में हमने ये देखा था कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो टी की पावर कितनी दे रखी है आपके पास यहाँ पे एल रेस टू पावर एक्स है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास हाफ, और यहाँ पे देखिए इसको अगर कंपेयर करो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1/2 है ना, इतना आ गया। तो नाउ अगर ऐसे करके हम फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे सजाएं, फॉर्मूले को बिठाएं, तो आपके पास ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू के इंटू एल की पावर एक्स एम की पावर वाई एंड जी की पावर जेड है ना। इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपके पास टी इक्वल्स टू एल की पावर, टी इक्वल्स टू एल की पावर हो गई हाफ है ना, एम की पावर हो गई जीरो, और यहाँ पे जी की पावर हो गई -1/2 है ना। तो इसको अगर और अच्छे से लिखे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा टी इक्वल्स टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना। तो क्या हमने इस बात को प्रूफ कर दिया, क्या हमने इस बात को प्रूफ कर दिया जी, बताइए फास्ट।
फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया हमने कि टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट डेल बाय जी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया अभी यहां तक? एनी डाउट? फास्ट सब अपना रिस्पांस देंगे, एवरीबॉडी एवरीवन एवरीवन सबका रिस्पांस आना चाहिए, एवरीबॉडी फास्ट प्लीज गिव अ रिस्पांस। सबका रिस्पांस नहीं आया जी अभी तक? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ऐसे क्या करते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे, क्या एक क्वेश्चन आप करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस के बेस पे बेसिस पे? अरे करेंगे नहीं करेंगे बताओ, क्या कोई सवाल अभी दूं मैं तो आप कर पाएंगे? हाजी करेंगे, यस। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे आप, तो नेक्स्ट सवाल आप लिखेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अभी इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे आपकी हेल्प से, आप सबकी हेल्प से इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करके देखना है कि एक्चुअली ये F इक्वल्स टू आपका m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर माइनस 1 आ रहा है क्या। एक्चुअली अभी हमें ये करके देखना है ना। So, चलो सवाल लिखते हैं अभी यहाँ पे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है आज का यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स F, सब लिखिए भाई, सभी लोग लिखे सवाल, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, mass m moving in a circle of radius r with velocity v. Okay, find the expression for F। अभी ये नए वाले फोर्स के लिए क्या करो आप, एक्सप्रेशन निकाल के बताओ, है ना। आई बात समझ में, अभी क्या करना है? तो अभी मैंने बोल दिया कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मास पे, रेडियस पे और वेलोसिटी पे। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, ऐसे लिख देंगे कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम की पावर कितनी है मान लेते हैं यहाँ पे एक्स, है ना। मास, वेलोसिटी की पावर मान लेते हैं हम कितना वाई, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे भाई, आर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ऑल्सो आर की पावर यहाँ पे जेड मान लेते हैं, है ना। तो जैसे आपने पीछे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई एंड आर की पावर जेड, है ना। तो चलो आप लोग यहाँ पे क्या करो, एफ की डायमेंशन लिखिए, इधर एम की डायमेंशन लिखिए, वी की डायमेंशन लिखिए और यहाँ पे आर की डायमेंशन लिखिए, और जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे सॉल्व कीजिए। चलिए फास्ट, यस कर रहे हैं भाई सभी लोग, सवाल लिखिए। यस एक्स इक्वल टू वन आया, वेदांत का आंसर आया एक्स इक्वल टू वन, करेक्ट, एक्स इक्वल टू वन आ गया जी। वाई इक्वल टू कितना आया,
y इक्वल टू प्लस टू, वेरी गुड। एस एक्स इक्वल टू बनाया गया, y इक्वल टू टू आ गया, यस। z इक्वल्स टू माइनस वन, यस करेक्ट, यस हर्षद वेरी गुड, यस करेक्ट, है ना, समझ गया फास्ट, ओके वेरी गुड। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ गया आपके पास, एम एल टी माइनस टू होता है इक्वल्स टू के इनटू एन की पावर एक्स, इसको लिखेंगे एम एल टी माइनस वन, इसकी पावर हो गई कितनी यहाँ पे वाई, और आर की पावर हो गई यहाँ पे, आर को क्या लिख सकते हो भाई यहाँ पे, एल लिख सकते हैं, एल की पावर यहाँ पे जेड, है ना। तो अभी आप उसको कंपेयर करोगे इनके बेसिस को, तो आएगा एम की पावर वन इज इक्वल टू एम की पावर एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू वन आ गया, और यहाँ पे देखिए तो टी इक्वल टू टी की पावर माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे क्या है भाई, टी की पावर माइनस टू है और यहाँ पे टी की पावर माइनस वाई है, है ना, t की पावर माइनस वाई है, तो यहाँ पे y को सो क्या आ गया भाई यहाँ पे टू आ गया, है ना। और अभी यहाँ पे देखेंगे किस पे, z की पावर देखनी है ना, तो z की पावर देखनी है कहाँ से देखे भाई, सो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो इधर l की पावर कितनी है, वन है, है ना, इधर l की पावर कितनी है भाई वन, और यहाँ पे l की दो पावर्स है, दो पावर्स है, l की पावर z एंड l की पावर y, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं, तो y कितना है हमारे पास, y है हमारे पास कितना, टू प्लस z इक्वल टू वन, तो z इक्वल्स टू वन माइनस टू, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन है, आई बात समझ में। तो अभी देखिए यहाँ पे m की पावर कितनी हमने ली थी, m की पावर लिया था x, है ना, फॉर्मूला हमारे पास है v स्क्वायर अपॉन r, m की पावर x बोलो m की पावर 1 आ गया, है ना, v की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, v की पावर y माना था, तो y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, f इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r, प्रूफ्ड, फॉर्मूला इज प्रूफ्ड, यस। कितने बच्चों का आंसर आ गया, एक बार फिर से बताएंगे फटाफट फास्ट, कितने बच्चों का आंसर आ गया, फास्ट 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 सब लोग बताएंगे, वेदांत का आ गया, सुमित का आ गया, हर्षल का आ गया, सबका आंसर आ गया, कंचन ऋषभ का आंसर आ गया फास्ट, निकिता का आंसर आ गया वेरी गुड, और कितने बच्चों का आंसर आया, बस ओके, जिनका आंसर नहीं है क्या उनको समझ में आ गया जी, जिनका आंसर नहीं आया क्या उनको समझ में आ गया, फास्ट बताएंगे, अलोक का आंसर आ गया, एक्स वाई जेड ऑर्डर में लेना है क्या सर, आप वैसे एक्स वाई जेड किसी को भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी ना, एक्स वाई जेड ले लो, इसको आप ए बी सी भी बोल दो, है ना, बट एक्स का जो नीचे आपको आंसर आया वही पावर यहाँ पे पुट करनी है, है ना, एक्स ले लो, ए बी सी डी लिख दो आप, एल एम एन लिख लो, बट यहाँ पे नीचे जो आपका जो आंसर आया है ना, वो आंसर आपका पावर में पुट करना है, एक्स की वैल्यू, वाई का जो आंसर आया वो पावर में पुट करना है, जेड का जो आंसर आया आपको इधर पुट करना है, हाँ जी क्लियर है, ओके सारे बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट है ना, चलिए देखिए ध्यान से, ओके है ना, नाउ यहाँ तक तो आपने सीख लिया सारी सब्जेक्ट्स, सारी चीजें आपने सीख ली, नाउ आज के लिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे ना, नाउ ये लिखेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है आपके सामने, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द टोटल एनर्जी, स्क्रीन इज डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा भाई, डोंट वरी, द टोटल एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल,
ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM लिख रहा हूं मैं, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, विच एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड क्या है भाई इसका, ए है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओके, डिपेंड्स ऑन एम ओमेगा एंड ए. तो ये एनर्जी किस पे, इस पे डिपेंड कर रही है अभी, एम ओमेगा और ए पे डिपेंड कर रही है ना, किस पे डिपेंड कर रही है भाई, एम ओमेगा और ए पे डिपेंड कर रही है. तो नाउ अभी आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई. सवाल क्लियर है सबको, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. द टोटल एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिपेंड्स ऑन एम ओमेगा एंड ए. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई. चलिए मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, ई का जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो आता है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ई का जो एक्सप्रेशन आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप पढ़ेंगे तो 4-5 महीने के बाद, तो इसकी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है वो आता है आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना. तो अभी क्या करेंगे आप, मान लेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर वाई, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड की पावर जेड. तो फिर क्या करेंगे आप, वैसे ही प्रोसीड करेंगे. ओके, क्या सबको समझ में आया, चल इसको ट्राई करिए आप, सॉल्व करेंगे सभी लोग. क्या इतना आप डिराइव कर पाते हैं क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 1, आंसर आपको निकालना है x की वैल्यू यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पे z की वैल्यू भी 2 आएगी. चलिए सॉल्व करिए आप, मैं आपको बता दूं एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो होती है ML2T-2, एनर्जी की डायमेंशन ML2T-2. या चलो तो सॉल्व करो फास्ट, आज के लिए लास्ट. X1 आ गया, वेरी गुड आ गया. सब लोग सॉल्व करेंगे. आ गया आदर्श, बाकी बच्चे नौ. चलो भाई देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही. तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे P इज इक्वल टू K इनटू M की पावर X, है ना, ओमेगा की पावर Y एंड A की पावर यहाँ पे Z, ठीक है, ऐसा लिख लिया आपने. नाउ ई की डायमेंशन लिख लो यहाँ पे एम टू टी माइनस टू, है ना, इज इक्वल्स टू, है ना, ओमेगा. तो ये एम की पावर कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, यहाँ पे एम की डायमेंशन में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे एम, एम की पावर हो गई यहाँ पे ऐसा एक्स हो गया भाई. करीब बाकी लोग जस्ट अ सेकेंड. Thank you.
तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है भाई, तो ओमेगा के डायमेंशन हम देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है 2 बाई एफ, तो ये एफ को क्या लिखते हैं 1 बाई टी, तो ओमेगा की डायमेंशन होती है यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 1, है ना। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या है भाई, ये है टी की पावर माइनस 1, जिसको लिखेंगे यहाँ पे हम वाई, और एम्पलीट्यूड ए क्या होता है, ए भी क्या होता है, एक लेंथ होता है जिसको लिखेंगे हम एल, एल की पावर यहाँ पे लिखेंगे हम जेड, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो देखिए यहाँ पे z को कंपेयर करो इससे l से, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। यहाँ पे देखिए t को आप कंपेयर करो, तो t की पावर यहाँ पे कितनी है, माइनस 2 है, और यहाँ पे t की पावर कितनी है भाई, यहाँ पे माइनस y, तो y इक्वल्स टू भी कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 2, और यहाँ पे m की पावर x, तो x को कंपेयर करो यहाँ पे m की पावर 1, यहाँ से भी x भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया e equals to some constant m omega square a square। Yes, हाँ जी, कितने लोग आया आंसर, कितने लोग आंसर आ गया, कितने लोग आंसर आ गया जी, पास्ट पास्ट युवांश का आंसर आ गया, विग्नेश ने कर लिया, अंधा ने कर लिया, करो भाई सब लोग बताओ, ओके प्रतीक का आंसर आ गया, वेदांत, निकिता, हृदय, ये बाकी लोग को समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया वो लोग भी टाइप करें, हाँ सर समझ में आ गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके वेरी गुड, yeah, ओके यस, यहां तक सबको समझ में आ गया जी। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बदलू को भागेगा नहीं कोई, देखो ध्यान से, अभी एक सवाल था ना आपके पास, यहाँ पे ये सवाल अच्छे से समझ में नहीं है, सवाल को मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन था आपके पास कि x equals to a plus हर्षल, देखना ध्यान से भाई, bt plus ct square plus dt cube upon e plus t, ऐसा था सवाल, है ना। तो आपको क्या करना था इसमें, a b c d और e सबकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट कर ली थी, है ना। तो नाउ अभी इस केस में क्या होगा कि हमने देखिए a का निकाल लिया हमने बढ़िया आसानी से, a का डायमेंशन निकाल लिया, b का भी निकाल लिया और c का भी निकाल लिया, है ना। तो अभी इसको देखते ध्यान से, तो अभी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म क्या दिख रखा है आपको, आपको पूरे के टर्म में इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो क्वांटिटीज नोन है, क्या है एक्स, क्या है आपके पास एक्स इज लेंथ, है ना, और जो t है, ये t है क्या है भाई, ये t है आपका टाइम है, x आपके पास लेंथ है और t क्या है टाइम। नाउ यहाँ पे देखो e को टाइम से जोड़ रखा है, यहाँ पे e को टाइम से जोड़ रखा है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूँ बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस इक्वेशन को, लिखता हूँ मैं e प्लस टी, है ना, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे e प्लस टी। नाउ इस e को किसे जोड़ रखा है भाई, इन्होंने टाइम से जोड़ रखा है, यानी e का भी जो डायमेंशन होगा वो टाइम का डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ऑफ e विल बी व्हाट, t की पावर 1, करेक्ट, ये क्लियर है, t की डायमेंशन e की डायमेंशन आपको पता चल गई t होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या लिख रखा है, d t की पावर 3 अपॉन e प्लस टी, ऐसा लिख रखा है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, आप टाइम को टाइम से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको टाइम ही मिलेगा, तो नाउ इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, d t की पावर 3 अपॉन t लिख सकते हैं ना ऐसा। अब इसको किसके बराबर कर दो आप, इसके उसके बराबर कर दो आप, इसके डायमेंशन ऑफ x के बराबर कर दो, करेक्ट। तो नाउ अभी यहां से आपने देखा तो डायमेंशन ऑफ d जो आया वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास l t की पावर माइनस 2। हां जी क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट, आज के लेक्चर में यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, या सब लोग अटेंडेंस डालेंगे, अटेंडेंस डालने के लिए क्या करना है भाई, आपको चैट में आपका नाम लिखना है, चैट विद एवरीवन, उसमें आपको नाम लिखना है, चैट में नाम लिखेंगे सभी लोग, ओके थैंक यू वेरी मच,
किसी बच्चे को कोई डाउट है रुक जाएंगे वो पूछेंगे। ये सब